मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री में आई कमी से हैरान में है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। हालांकि टू व्हीलर्स को लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। पैसेंजर व्हीकल जिसमें कि कार, वैन, ऑटो सब आते हैं, उनकी बिक्री सितंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले घटी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री 1% घटकर 356,752 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल सितंबर 2023 में कंपनियों ने डीलर को कुल 361,717 गाड़ियां भेजी थी। सियाम की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में तिपहिया वाहनों की बिक्री भी ठीक ठाक हुई। पिछले साल के मुकाबला में अब की बार बिक्री 7% बढ़ी है। त्योहार के सीजन में आम आदमी की जेब पर लगा झटका। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ से थोक महंगाई दर में हुआ इजाफा। महंगाई का ये डेटा सरकार की ओर से जारी हुआ है। अगस्त में जहां थोक महंगाई दर 1.31% पर आ गई थी, वहीं सितंबर में ये बढ़कर 1.84% हो गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है खाने पीने के सामान की महंगाई दर 9% के पार निकल गई है। अगस्त महीने में ये 3.26% थी, जो बढ़कर सितंबर में 9.47% हो गई। जबकि सब्जियों की महंगाई में 48.7% का उछाल आया है। प्याज, टमाटर और आलू जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। शाकाहारी थाली पिछले साल सितंबर महीने के मुकाबले 11% महंगी हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।